Hey guys, Assalamualaikum, Sasrikaal. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हुरानिया, मैं हुरोहन, और हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक. तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले पंडित जी से क्या सवाल कर रही है एक हिंदू महिला, उसके डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश जरूर करना, एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. दिनों पहले नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति से बीमार है तो उसको अपन बताएंगे तो नारायण कवच उसकी रक्षा करेगा. बट जब मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने 24 घंटे मोबाइल पे नारायण कवच चलाया, मोबाइल को कंटिन्यू चार्जर से प्लग करके नारायण कवच मेरी मम्मी की रक्षा करेगा. बट नहीं हुआ ऐसा. ना ना, रक्षा हुई. क्यों नहीं हुई रक्षा? आपको क्या लगता है केवल प्राण बच जाए ये रक्षा है? नहीं, वो नरक से बच गई, भवसागर से पार हो गई, क्या ये रक्षा नहीं है? पर एक्चुअली वो बहुत धार्मिक लेडीज थी. मेरे घर में 24 घंटे में से 10 घंटे पूजा चलती, पर उनकी जो मृत्यु हुई ना, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई. तो भगवान ने ऐसी मृत्यु क्यों दी उनको? मैं आपको समझाता हूं. तो जो यहां भोग लेगा जरा सा, तो वो सीधा भगवत धामों से नरक का दर्शन भी नहीं होगा. भाई की शादी हुई तो भाई मम्मी को छोड़ के भाभी को लेके दूर चला गया, तो मम्मी अकेली थी घर में. तो मम्मी 5 लीटर घासलेट लाई, अपने ऊपर घासलेट डाला और खुद को जला लिया मम्मी ने, क्योंकि वो उनको सहन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया. जब वो जली ना, तो वो मृत्यु नहीं थी उस दिन उनकी, इसलिए वो मरी. हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये 5-6 दिन से ज्यादा जिएंगी नहीं, और उनकी मृत्यु हो गई. मृत्यु केवल भाई छोड़ के गया और उन्होंने खुद को जला लिया. उसके 1 महीने पहले वो मेरे पास आई थी कि भैया मेरे से अच्छा नहीं रह रहा, मुझे गौरी गोपाल छोड़ के आ जा. तो मैंने कहा मम्मी यदि मैं आपको गौरी गोपाल छोड़ के आऊँगी तो पूरी दुनिया मुझे हंसी उड़ाएगी कि एक माँ को रखती नहीं बना, 2 रोटी देते नहीं बनी और गौरी गोपाल छोड़ के आ गई. लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक, मेरा नाम अब्दुल है. पिछले रमजान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा. मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला कयामत के दिन क्या सजा देगा? भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है कयामत में क्या सजा. आत्महत्या करना हराम है, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सजा मिलते जाएंगी कयामत के अंदर. तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है. ये जिंदगी अल्लाह सुबहान तआला हमें दी है, और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के हिसाब से. अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे. मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ. मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ. मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है? ये मैं जानना चाहता हूँ. या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है? इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है. तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है, और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं. भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है. पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है. जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है. और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे. जहां तक दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण
को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है सदा सदा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो, अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ वेद की बात कर रहा हूँ, तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वूर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है, आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जानकी बल्लभ शास्त्री है, मैं आपके यहाँ से कलमा दुराना चाहता हूँ और मुझे कलम पाक अपने हाथों से प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं हजारीबाग झारखंड से 4 साथियों के साथ आपका किशनगंज आया हूँ, कृपया मेरी बात पर तवज्जो दें। माशाल्लाह भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आखिरी पैगंबर है सर। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं सर। आप अपने मन से कर रहे? जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। सो गाइस, ये तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो पहले बात कर लेते हैं, वो आंटी ने, जो लेडी ने जो सवाल किया पंडित जी से, तो वो पंडित जी ये बोले कि यार उनका जो नर्क है, नर्क के द्वार, मतलब नर्क से होते हुए भी नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएंगे जो भी वो चीजें करें, ठीक है। तो इसकी गारंटी कोई पंडित, कोई मौलाना या कोई पादरी, कोई भी स्कॉलर या कोई भी इंसान दुनिया का ये कैसे दे सकता है कि यार आप कहाँ पे जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे? ये तो जो हमारा क्रिएटर है, हमारा जो गॉड है, जो हमारा भगवान है, ठीक है, रियल, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो तो उसी को पता होगा ना। चाहे किसी, कोई भी दुनिया का कैसा भी हो, वो इंसान कैसे बता सकता है कि यार तुम स्वर्ग ही जाओगे? इसका गारंटी कैसे कोई दे सकता है इतना खुलेआम? ये एक सोचने वाली बात है और एक लॉजिक लगाने वाली बात है। और रही बात डॉक्टर जाकिर नायक सर की, जो एक भाई ने पूछा कि स्वर्ग नर्क होता है कि नहीं, तो यार देखो, हर, अगर आप किसी भी धर्म की किताबों में पढ़ोगे तो हर धर्म में स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है। और रियली ये चीज़ तो हर किसी को मानना चाहिए यार, कि हम जो यहाँ पर गुनाह कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसकी सजा देने वाला कोई तो होगा, ठीक है, कोई तो हमें देख रहा है जो ये सब चीज़ को जज करेगा। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पंडित जी को वहाँ पे क्लियर करना था, क्योंकि बहुत से लाखों लोग पंडित जी को देख रहे हैं, और जो वो जो लेडी का क्वेश्चन था वो यही था, क्योंकि उनकी जो मदर थी उन्होंने आत्महत्या की थी, तो पंडित जी को पहले खुल के सबको ये बताना चाहिए था कि जो आत्महत्या है वो गलत है, आत्महत्या कभी नहीं करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, पता नहीं कैसी किसकी मेंटेलिटी है, कैसी सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, तो पंडित जी को ये क्लियर करना चाहिए, ना कि वहाँ पे ये बोलना चाहिए कि अगर आप कैसे भी मरते हो, चाहे आप आत्महत्या भी
कर रहे हो, जो कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, और आप खुद से मतलब सब्र नहीं कर रहे हो लाइफ में, अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आप अपनी जान ले रहे हो, उसके बाद आप बोलोगे कि स्वर्ग में चले जाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? जब भगवान ने आपको लाइफ दिया है कि आप इस लाइफ को मतलब जितने दिन मैं चाहता हूँ उतने दिन आप रहो, ठीक है, जो भी हर इंसान की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें हमें हमारे स्कॉलर को ये सिखाना चाहिए, कोई भी धर्म का स्कॉलर हो उसे सिखाना चाहिए कि आपको सब्र करना चाहिए, अपनी अपनी जो जिंदगी है भगवान ने दी उसको ख़त्म मत करो। तो वहाँ पे पंडित जी बोल रहे कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ऐसे देख के तो लोग और वो चीज़ें करेंगे कि अगर लाइफ में कुछ परेशानी आ रही है तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, हमें तो स्वर्ग में जाना है, जो हमारे स्कॉलर हैं वो गारंटी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलत चीज़ थी, और जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने क्लियर किया, और इस्लाम में बोला जाता है कि आत्महत्या हराम है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक लाइफ आपको मिली है, उसको बहुत अच्छे से जब तक लाइफ है गुजारना चाहिए, और हर हाल में सब्र करना चाहिए। और बाकी जन्नत और दोजख वाली बात रही, तो वो आपके जो कर्म है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जो कि हर धर्म में बताया गया है स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट, और अगर आप गलत काम करते हो तो नर्क में जाओगे। और कोई स्कॉलर बोलता है कि स्वर्ग और नर्क नहीं है, तो आपको अपनी धर्म की किताबें देखनी चाहिए, उसमें क्लियर हर चीज दिया हुआ है। सो गाइस, ये तो वीडियो, क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।